हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है तरंग प्रकाशिकी का 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको सबसे पहले जानना है, उसके बाद इसको नोट्स में लिख कर और उसके बाद इन सभी की पढ़ाई करना है। मैं आपको अंत में बताऊँगा कि इन सभी को आप कैसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिया है जो है कि कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं। अब भैया, कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि कला संबद्ध स्रोत का परिभाषा देना है, पूरा इसके बारे में डिटेल में आपको बताना है। ठीक है, ये टॉपिक भी हमने पढ़ा दिया है। ठीक है, तो इसको मैं बताऊंगा अभी कैसे आप पढ़ सकते हैं। आते हैं दूसरा है कि अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। अब कभी कभी अध्यारोपण का सिद्धांत आपसे पूछ लिया जाता है और कभी कभी अध्यारोपण किसे कहते हैं इसका परिभाषा पूछ लिया जाता है। तो आपको अध्यारोपण किसे कहते हैं इसका परिभाषा भी जानना है और उसके साथ साथ अध्यारोपण का सिद्धांत भी जानना है। और ये भी हमने टॉपिक पढ़ा दिया है। ठीक है, तो इसको भी आपको बताया जाएगा। आते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर जो है कि द्वि अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। अब द्वि अपवर्तन से आप क्या समझते हैं इसका आपको परिभाषा देना है, बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। भैया यहां पर द्वि अपवर्तन कहा जा रहा है, अपवर्तन नहीं, द्वि अपवर्तन। ठीक है, तो यह भी आपको याद करना है। अगला आता है कि प्रकाश का विवर्तन से क्या समझते हैं। अब प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं इसको बताना है। मतलब क्या हुआ कि प्रकाश कभी कभी कहता है कि प्रकाश का विवर्तन कहेगा कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, जैसे यहां पे लिखा गया है। और कभी कभी ऐसे कहता है कि विवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो विवर्तन कहे या प्रकाश का विवर्तन कहे, मतलब विवर्तन यहां पर पूछा जा रहा है कि विवर्तन क्या होता है, इसका परिभाषा बताना है, इसका एग्जाम्पल बताना है, पूरा इस पर डिस्कस करना है। तो ये भी हमने टॉपिक पढ़ा दिया है, तो इसको मैं बताऊंगा। आते हैं पांचवें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, सभी को आपको नोट्स में लिखते हुए चलना है। अगला आता है कि प्रकाश का व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश के व्यतिकरण, मतलब व्यतिकरण, सिंपल वे में कहें तो व्यतिकरण किसे कहते हैं इसका परिभाषा आपको बताना होगा। अगला आता है कि इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है। मतलब कहा जा रहा है कि व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध, प्रतिबंध मतलब होता है कि इसका कंडीशन क्या है, मतलब व्यतिकरण की शर्तें क्या है वो आपको बताना होगा। तो इसमें क्या पूछा गया कि व्यतिकरण का परिभाषा बताइए, उसके बाद आपको कहना है कि व्यतिकरण की शर्तें क्या होती हैं उसको आपको बताना है। ठीक है, तो पूरा डिटेल में हमने इसको पढ़ाया है। अगला आता है छठा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि व्यतिकरण तथा विवर्तन में क्या अंतर होता है, मतलब व्यतिकरण और विवर्तन में क्या डिफरेंट होता है ये आपको बताना होगा। ठीक है, यह भी हमने टॉपिक पढ़ा दिया है, तो इसी प्रकार आप सभी टॉपिक को पढ़ लेंगे। अगला आता है कि तरंगाग्र किसे कहते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया कि तरंगाग्र किसे कहते हैं। अब यह कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि तरंगाग्र किसे कहते हैं और इसका प्रकार कितने होते हैं। तो आपको पूरा डिटेल में जब जानना है तो पूरा डिटेल में जानिए। तो सबसे पहले तो तरंगाग्र आपको पढ़ लेना है कि तरंगाग्र किसे कहते हैं, को आपको पढ़ना है इसके दोनों प्रकार। उसके साथ साथ आपसे पूछ लिया जाता है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। अब हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत क्या है उसको पूरा डीपली आपको अध्ययन करना है, पूरा डेप्थ में उसको समझना है। ठीक है, तो कभी कभी ये दोनों क्वेश्चन अलग से पूछते हैं, इसमें एक ही क्वेश्चन में दोनों पूछ लिया गया है कि तरंगाग्र किसे कहते हैं और हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत लिखिए। ठीक है, और दोनों अलग अलग क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं कि तरंगाग्र किसे कहते हैं, इसके प्रकार क्या होता है, इस प्रकार हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत लिखिए, इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे और एक एक करके आप नोट्स में लिख रहे होंगे। ठीक है, अगला आते हैं आठवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है प्रकाश के व्यतिकरण संबंधी यंग का प्रयोग के सिद्धांतों को समझाइए तथा फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र की स्थापित कीजिए। अब यहां पर क्या पूछा गया कि जो व्यतिकरण संबंधित यंग का प्रयोगों का सिद्धांत है उसको आपको बताना है, उसके बाद फ्रिंज चौड़ाई के सूत्र की स्थापना करना है। तो इसी प्रकार ये सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको तैयार करके ही जाना है। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो सबको तैयार करके जाना है, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो या मध्य प्रदेश बोर्ड से हो, राजस्थान से हो या अदर कोई भी बोर्ड से हो। ठीक है, ये टॉपिक बदल नहीं जाएगा कि अलग में मान लेते हैं विवर्तन है चाहे व्यतिकरण है, ये कोई भी टॉपिक है, तो ऐसा नहीं है कि आप बिहार के बोर्ड से हैं या अदर कोई भी बोर्ड से हैं तो आपको नहीं पूछा जाएगा,
टॉपिक कभी चेंज नहीं होता है, जो इंपॉर्टेंट है मुझे ये इंपॉर्टेंट केवल बताया जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको तैयार करके ही जाना है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भैया यहाँ से हम कैसे इसको सभी को पढ़ सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको जब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे वो सबसे पहले आपके पास लिंक पहुँचेगा उसका। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। दूसरी बात, आप सोच रहे होंगे कैसे पढ़ सकते हैं, तो आपको यहाँ पर एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक प्राप्त कर सकते हैं, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्राप्त किया हुआ होगा, ठीक है। तो उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया वहां पे मान लेते हैं कोई आपको जैसे व्यतिकरण अभिवर्तन समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां पे आप लिख रहे हैं व्यतिकरण किसे कहते हैं, आपको इसको थोड़ा वीडियो दे दीजिए, ये उचित नहीं है। आपके लिए जो नंबर दिया जा रहा है ये केवल वीडियो लिंक के लिए दिया जा रहा है, वो भी प्लेलिस्ट के लिए, कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट है जिनको प्लेलिस्ट नहीं पता है कि कहां से हम ढूंढ कर पढ़ें, ठीक है। तो उनके लिए केवल ये नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके मांग सकते हैं। यदि आपको कोई टॉपिक्स है जो समझ में नहीं आता है, जैसे कि मान लेते हैं कि प्रकाश का व्यतिकरण जो क्या है विवर्तन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप YouTube पर लिखिए, YouTube पर सर्च करने का ऑप्शन क्यों दिया गया है, आप YouTube पर लिखिए कि विवर्तन किसे कहते हैं ब्रदर सर, केवल अंत में हमारे चैनल का नाम लिखेंगे आपको तुरंत वीडियो मिलेगा सबसे ऊपर, ऐसे पढ़ सकते हैं। मान लेते हैं कि व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लिखिए व्यतिकरण विवर्तन में अंतर ब्रदर सर, जैसे हाइगेंस का द्वितीय तरंगिका का सिद्धांत नहीं पता है तो आप इंग्लिश में लिखिए हाइगेंस का द्वितीय तरंगिका का सिद्धांत ब्रदर सर। इस प्रकार आप कोई भी टॉपिक को लिखकर अंत में केवल हमारे चैनल का नाम लिख देंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।